फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आमन नज़ीर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वीवो के मोबाइलों को अपने लैपटॉप के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा सलूशन है। तो इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर टिप्स एंड ट्रिक्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन मौजूद है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी का ऑप्शन मौजूद है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों विंडोज़ पीसी एंड फोन्स कैन प्रोजेक्ट टू दिस पीसी व्हेन यू से इट्स ओके, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अवेलेबल एवरीवेयर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और नीचे आस्क टू प्रोजेक्ट टू दिस पीसी का ऑप्शन मौजूद है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके फर्स्ट टाइम ओनली के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने किसी को ओपन नहीं करना या कहीं क्लिक नहीं करना, तो आपने अपने मोबाइल को ओपन करना है। मोबाइल को ओपन करने के बाद सेटिंग को ओपन करना है, इसके स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे स्मार्ट मिररिंग का ऑप्शन मौजूद है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आपने स्क्रीन मिररिंग को ऑन कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीन मिररिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपके लैपटॉप का जो सर्च डिवाइस है वो यहाँ पे शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है वो शेयर हो चुकी है आपके लैपटॉप के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त जो मेरी मोबाइल के वीवो का मोबाइल है इसके साथ मैंने अपने लैपटॉप के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो इसी तरह दोस्तों आप यूट्यूब के ऊपर इसे रोटेट कर लें तो रोटेट के ज़रिए आपकी जो फुल स्क्रीन है लैपटॉप की वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह आप अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप इसको रोटेट रिकॉर्डिंग करना चाहें तो वो भी आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोबाइल के ज़रिए अगर रिकॉर्डिंग लगा दें तो, या आप लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्डिंग लगा दें तो आपकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।